हे गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग। तो आज जो अपन देख रहे हैं, एक नया डिज़ाइन पैटर्न देख रहे हैं, और इस डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन पैटर्न काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, और डिज़ाइन पैटर्न का नाम है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। तो जो इंटरव्यू में है वो इसके एप्लीकेशन, जो रियल टाइम एप्लीकेशन यूसेज है इस डिज़ाइन पैटर्न के, वो पूछा जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके रियल टाइम एप्लीकेशन यूसेज बताता हूँ, और फिर समझते हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न है क्या। ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन यूसेज हैं, ठीक है, एक तो है पहला एटीएम। जब भी आपको क्वेश्चन है डिज़ाइन एटीएम, तो आप समझ लीजिए कि ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का वेंडिंग मशीन, या किसी भी तरीके की वेंडिंग मशीन आपको बनाने को बोलो, तो ये डिज़ाइन पैटर्न आपको यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिज़ाइन लॉगर, डिज़ाइन लॉगर्स जो अपन लॉगिंग करते हैं ना, विच इज़ हैज़ बिन आस्क्ड इन अमेज़न एक्चुअली में। ठीक है, तो ये लॉगर जब आपको बोला है कि डिज़ाइन करो लॉगर, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन बटन बताओ, दैट सिंपल एज इट इज़। ठीक है, तो ये इसके रियल टाइम एप्लीकेशंस यूसेज है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये डिज़ाइन पैटर्न है क्या। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या लगाना है, हमें कब डिज़ाइन पैटर्न ये वाला लगाना है। ठीक है, अगर इनके अलावा भी आता है तो, सो लेट्स मूव इट। तो अब क्या बोलते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न, क्या बोलता है ये डिज़ाइन पैटर्न? बोलता है कि जब भी मेरे को एक सेंडर रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड ही डज नॉट केयर कि मेरी रिक्वेस्ट कौन फुलफिल करेगा, तो यहाँ पे जब ये रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ पे मेरे पास आप बोल लीजिए रिक्वेस्टर, या फिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वन, फिर इनकी चेन है मेरे पास, और इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टर लेट मी से रिसीवर, कि बहुत सारे रिसीवर हैं जिनकी चेन है। ठीक है, रिसीवर ऑब्जेक्ट वन, रिसीवर ऑब्जेक्ट टू, और इस तरीके से मेरे पास रिसीवर ऑब्जेक्ट एन है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ चेन में लिंक्ड है। तो जब भी मेरा क्लाइंट, सेंडर को हम बोलते हैं क्लाइंट यहाँ पे, तो जब भी मेरा क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट देगा, तो ये सबसे पहले फर्स्ट रिसीवर के पास जाएगी। फर्स्ट रिसीवर चेक करेगा क्या मैं इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता हूँ, अगर ये इसको फुलफिल नहीं कर सकता है तो ये रिसीवर टू को दे देगा। रिसीवर टू विल चेक क्या मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ, अगर ये इसको फुलफिल नहीं कर सकता है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, और जो भी रिसीवर इसको फुलफिल करेगा दैट विल सेंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, वो आगे नहीं जाएगा फिर। सो अंडरस्टूड। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिज़ाइन पैटर्न कब काम आता है, जब भी हमारे यूज केसेस में हमें बस रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, और कौन सा रिसीवर इसको फुलफिल करेगा हमें वी डोंट नो, दैट्स वेयर दिस डिज़ाइन पैटर्न इज यूज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ पहले एटीएम का, और फिर उसको हम एक लॉगर का जो क्वेश्चन है, रियल टाइम क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन विद एन एटीएम। तो आप एटीएम वेंडिंग मशीन में गए, ठीक है, आपने यहाँ पे डाला कि हाउ मच अमाउंट टू विड्रॉ, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ एग्जैक्टली जैसे अभी अपन ने सॉल्व किया उसको। ठीक है, यहाँ पे यू आर द क्लाइंट, क्लाइंट कौन है, अ पर्सन और हम। ठीक है, हमने क्या रिक्वेस्ट डाली कि विड्रॉ 2000 रुपीज़, ये रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। ठीक है, अब ये अंदर एटीएम सिस्टम है, एटीएम सिस्टम के अंदर मान के चलिए एक रिक्वेस्ट है, एक रिसीवर है जहाँ पे 2000 रुपीज़ हैंडलर, ये वाला एक हैंडलर है, फिर एक है 500 रुपीज़ हैंडलर, और फिर एक है 100 रुपीज़ हैंडलर। ठीक है, तो अब जब भी 2000 रुपीज़ की रिक्वेस्ट आई, तो अब ये पहले जाएगा 2000 रुपीज़ हैंडलर के पास, क्या ये चेक करेगा क्या मैं ये फुलफ़िल कर सकता हूँ, मेरे पास 2000 के नोट्स हैं, अगर है तो ये फुलफ़िल कर देगा, अगर नहीं है तो ये 500 को भेजेगा, फिर 500 चेक करेगा क्या मेरे पास 2000 रुपीज़ को फुलफ़िल करने का है,
तो ये चेक करेगा कि मेरे पास तीन नोट हैं, थ्री नोट्स हैं, तो मैं 1500 रुपीज़ फुलफ़िल कर सकता हूँ, लेकिन 500 फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो ये 500 के लिए आगे भेज देगा, ठीक है। और फिर 100 चेक करेगा क्या मैं 500 रुपीज़ फुलफ़िल कर सकता हूँ, अगर इसके पास 100-100 के नोट है 500, तो ये फुलफ़िल करेगा। अगर तीनों के पास सारे रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाते हैं और 200 फुलफ़िल नहीं हो पाता है, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि इनसफिशेंट अमाउंट, कि ये फुलफ़िल नहीं हो सकता है, या फिर जो आपने अमाउंट डाली है ये विड्रॉ नहीं हो पा रही है, कुछ भी जो हमें करना है। लेकिन आप समझ गए कि क्या है कि 2000 हैंडलर, 500 हैंडलर, 100 रुपीज़ हैंडलर किस तरीके से रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, राइट। तो अब इसको पहले मैं एक इससे समझाता हूँ। यहाँ पे एक है मेरे पास क्लाइंट, क्लाइंट हैज अ हैंडलर, यहाँ पे मेरे पास है हैंडलर और प्रोसेसर और रिसीवर, जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है। इसके अंदर एक है हैंडल रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इसको इनहेरिटेड कर रहे हैं कंक्रीट हैंडलर और कंक्रीट रिसीवर, जो भी आप कहना चाहें, कंक्रीट प्रोसेसर, कंक्रीट हैंडलर वन, कंक्रीट हैंडलर टू, और यहाँ पे ये इस मेथड को हैंडल रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर कोई भी कंक्रीट हैंडलर वन से स्टार्ट है, मान के चलिए कंक्रीट हैंडल वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर कंक्रीट हैंडल वन नहीं कर पा रहा है तो हमें नेक्स्ट हैंडलर के पास जाना है जो कंक्रीट हैंडलर वन पॉइंट करेगा। तो मान के चलिए कंक्रीट हैंडलर वन है, अगर ये प्रोसेस नहीं करना कर रहा है तो इसको नेक्स्ट हैंडलर का लिंक देना पड़ेगा कि आस्क हिम, तो देन हैंडलर रिक्वेस्ट जो है ये आस्क करेगा नेक्स्ट, इट कीप ऑन एक्सिंग द नेक्स्ट कि कंक्रीट हैंडलर के नेक्स्ट में कौन है, उससे आप रिक्वेस्ट करेगा, उससे फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली देन इट विल सेंड अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कहते हैं। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने, अब मैं लॉगर का ले रहा हूँ जो कि अमेजोन में पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, तीन तरीके के लॉगर हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जब भी अपन लॉग करते हैं, अपन वी कैन सिंपली राइट, यहाँ पे अपन एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू लॉगर, अपन एक लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। और फिर जब भी करते हैं अपन ऐसे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट लॉग, और यहाँ पे या तो देते हैं इन्फो मैसेज, या फिर देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट लॉग डीबग और फिर मैसेज, या फिर देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट लॉग एरर या फिर मैसेज, ठीक है। ये तीन टाइप के लॉगिंग्स होते हैं, और यहाँ पे हम कहीं पे डिफाइन नहीं करते हैं कि अगर मान के चलिए मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक है इन्फो का, एक है एरर का, एक है डीबगर का, तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते कि गिव मी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फो, यहाँ पे तो बस मैंने न्यू लॉगर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है किस तरीके से हैंडल होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, तो दिस लॉग प्रोसेसर इज नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे मैं लॉग प्रोसेसर जो अपन ने बोला था ना इधर, ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो दिस इज आवर लॉग प्रोसेसर, ठीक है। अब लॉग प्रोसेसर में देखो क्या हो रहा है, लॉग प्रोसेसर में मैंने तीन डिफाइन किए, इन्फो को मैंने दिया नंबर वन, डीबग को दिया टू और एरर को दिया थ्री, ठीक है। तो ये स्टैटिक मैंने डिफाइन कर दिए, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रखा है नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर मतलब कि ये इसके पास है नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चाइल्ड है, जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो अपना नेक्स्ट प्रोसेसर इसमें डाल देगा कि दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोसेसर, वो असाइन हो जाएगा। और जब चाइल्ड, और यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि मैंने तीन प्रोसेसर बनाए, ये लॉग प्रोसेसर था, अब इसमें मैंने तीन चाइल्ड बनाए, इन्फो लॉग प्रोसेसर, तो यहाँ पे मैंने तीन चाइल्ड बनाए,
एक है इन्फो, एक है डीबग और एक है एरर। इन्फो लॉग प्रोसेसर, इन्फो लॉग प्रोसेसर एक्सटेंड्स लॉग प्रोसेसर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि जब भी इन्फो लॉग प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं साथ में बताऊंगा कि नेक्स्ट कौन है। अगर मान के चलिए मैं ये इन्फो लॉग प्रोसेसर बना रहा हूँ, ये वाला इन्फो है, तो मैं साथ में डाल रहा हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेसर कौन सा है, डीबग है कि एरर है, कौन है, तो मैं उसके ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही बताऊंगा कि व्हाट हु इज़ द नेक्स्ट प्रोसेसर, ठीक है। और फिर जब भी यहाँ पे लॉग का मैसेज आएगा तब मैं चेक करूँगा क्या ये लॉग लेवल इन्फो है जो मैंने तीन डिफाइन किए थे यहाँ पे। अगर लॉग लेवल इन्फो है तभी मैं उस पर वर्क करूँगा, अदरवाइज मैं अपने पेरेंट को बोल दूँगा कि यू प्रिंटेड, ठीक है, यू गो टू द नेक्स्ट, यू गो टू द नेक्स्ट। और मैंने क्या किया था, जब अपना ऑब्जेक्ट बना था तब अपने पेरेंट में मैंने अपना नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर का रेफरेंस दे दिया था, और जब भी मैं पेरेंट का लॉग कॉल करूँगा तो वो चेक करेगा कि अगर नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर नल नहीं है तो वो उसको कॉल कर देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिमिलरली एरर लॉग प्रोसेसर काम कर रहा है, ये कब काम करेगा, जब लॉग लेवल एरर होगा, और डीबग कब काम करेगा, जब ये डीबग होगा, अदरवाइज पेरेंट को कॉल कर देगा। तो अब यहाँ पे देखो मेन, अब यहाँ पे जो मेन मैं बना रहा हूँ दैट इज़ मेन मेथड विच इज़ नथिंग बट अ क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है इसको। तो अब यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से चेन बनाई है, सो दिस इज़ द चेन। तो अब चेन किसकी है, ये पहले इन्फो प्रोसेसर, ठीक है, फर्स्ट क्या है, इन्फो प्रोसेसर, इन्फो है, इन्फो के अंदर मैं किसका ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, डीबग प्रोसेसर का। तो नेक्स्ट क्या है, डीबग, डीबग के अंदर किसका भेज रहा हूँ मैं, एरर लॉग का, इसके अंदर है एरर लॉग प्रोसेसर का। तो इन्फो के मैंने कंस्ट्रक्टर पे कॉल किया, इस पर आया डीबग प्रोसेसर का। तो यहाँ पे जब इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने नेक्स्ट प्रोसेसर कौन सा भेजा, डीबग वाला, ठीक है। तो इसने अपने सुपर में असाइन कर दिया कि नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर है डीबगर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने मेन के अंदर एक चैन बना ली, अब मैं बस सिंपल क्या कर रहा हूँ, डॉट लॉग एरर एक्सेप्शन हैपन्स। अब यहाँ पे देखो इवन दो मैंने इन्फो का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, चेन बनाई हुई है, अब यहाँ पे मैंने एरर का दिया है, तो अब ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले इन्फो के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्फो का ऑब्जेक्ट है। तो अब ये चेक करेगा कैन आई प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, नहीं, लेवल तो एरर है, तो ये क्या करेगा अपने सुपर पे भेज देगा, ठीक है, सुपर के पास लॉग लेवल मतलब एरर वाला और मैसेज। और याद हो तो अपन ने ये कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त सुपर में नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर भेज दिया था, नेक्स्ट लॉग कौन है, डीबगर वाला, ठीक है। तो जब ये अपने सुपर को लॉग कॉल करेगा तो ये क्या करेगा कि नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है क्योंकि डीबर का है, डीबगर का वाला सेट है, तो ये डीबगर का करेगा लॉग कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे डीबगर वाला लॉग कॉल हो जाएगा। अब डीबगर वाला चेक करेगा क्या लॉग लेवल डीबग है, नहीं, हम तो एरर का चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा फिर से अपने सुपर को कॉल कर देगा। और इसके सुपर में क्या था, जब डीबगर का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने नेक्स्ट कौन सा डाला था, डीबगर में एरर वाला, ठीक है। तब जो ये डीबगर है ये क्या करेगा, डीबग लॉग प्रोसेसर वाला है, ये अपने सुपर को कॉल कर देगा और यहाँ पे चेक करेगा कि नेक्स्ट लॉग प्रोसेसर नल है, नहीं, नेक्स्ट कौन सा है, एरर वाला, तब ये एरर वाले को कॉल करेगा और एरर वाले के पास क्या है, क्या इक्वल्स टू एरर, यस, तो ये इसको प्रोसेस कर देगा। तो आपको ये समझ आ गया, एग्जांपल सिंपल है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे चेन बनाई गई है दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एरर के पास कोई भी नहीं है तो नल है, ठीक है। और ये भी एक वैलिड यूज केस है कि ये भी हैंडल ना कर पाए, ये भी हैंडल ना कर पाए, ये भी हैंडल ना कर पाए, तो कोई रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड यूज केस। तो दिस इज नोन एज चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न। एंड और ये ATM डिज़ाइन करने को आ जाए, आपको डिज़ाइन लॉगर करने को आ जाए, वेंडिंग मशीन किसी तरीके की वेंडिंग मशीन आ जाए, कि मान के चलिए एक वेंडिंग मशीन है, मेरे पास है पेप्सी कोला वाटर बॉटल, ठीक है, और मुझे इसको डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, राइट, कि अगर यूज़र ने वाटर मांगा है तो पहले पेप्सी के पास गया, क्या ये हैंडल कर सकता है, नहीं, ये कोक के पास गया हैंडल कर सकता है, नहीं, फिर ये वाटर के पास गया हैंडल कर सकता है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर देगा। तो इट्स काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ वेंडिंग मशीन, तो ये
डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो सकता है, ATM और लॉगर में तो ये इसका एप्लीकेशन है ही। ठीक है, आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से।